आजकल तकनीक का जमाना है, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक के हाथों में मोबाइल फोन और दूसरे स्मार्ट गैजेट आसानी से देखने को मिल जाते हैं। इन्हीं मोबाइल फोन या स्मार्ट गैजेट पर इंटरनेट के सहायता से हम दिन भर गूगल पर बहुत सारी चीजें भी सर्च करते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मोबाइल, इंटरनेट, गूगल एवं कंप्यूटर जैसी जिन चीजों को हम अपने डेली लाइफ में यूज करते रहते हैं, उनका असलियत में पूरे नाम यानी फुल फॉर्म क्या है? यकीनन आप में से काफी सारे लोगों को इन चीजों के पूरे नाम के बारे में नहीं पता होगा। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन सभी नामों के फुल फॉर्म में जानेंगे। दरअसल मोबाइल, इंटरनेट, गूगल एवं कंप्यूटर, यह सब शॉर्ट नेम है। हम इन नामों को शॉर्ट नामों से ही पुकारते चले आ रहे हैं और हमें इन शॉर्ट नामों की इतनी आदत पड़ चुकी है कि हमने इनके पूरे नाम जानने की कभी कोशिश ही नहीं की है। चलिए कोई बात नहीं, आज हम आपको इन शब्दों के पूरे नाम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। जान ले मोबाइल का पूरा नाम। हम रोजाना अपने घरों में जिस गैजेट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उसका नाम मोबाइल यानी मोबाइल फोन है। लेकिन यह पूरा नाम नहीं है। मोबाइल की फुल फॉर्म मॉडिफाइड ऑपरेशन बाइट इंटीग्रेशन लिमिटेड एनर्जी है। इंटरनेट, मोबाइल में आप जिस चीज के जरिए उसके फीचर्स का यूज करते हैं उसका नाम इंटरनेट है, लेकिन इसका पूरा नाम नहीं है। मोबाइल की तरह इंटरनेट भी शॉर्ट फॉर्म ही है। इसका पूरा नाम इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। इन्हीं दोनों शब्दों की शुरुआती अक्षरों को लेकर इंटरनेट का शॉर्ट फॉर्म बना है। गूगल, इंटरनेट पर पहुंचने के बाद आप उस पर कुछ सर्च करने के लिए गूगल का सहायता लेते हैं। आज के वक्त में गूगल का नाम दुनिया भर में इतना प्रचलित है कि अब छोटे से छोटे बच्चों को भी इस कंपनी के नाम के बारे में पता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, गूगल कंपनी का पूरा नाम नहीं है बल्कि यह उसकी शॉर्ट फॉर्म नाम मात्र है। गूगल का पूरा नाम ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ है। कंप्यूटर, आज के समय में आप कंप्यूटर पर बैठकर कोई भी काम ऑनलाइन कर सकते हैं और इसके साथ ही दुनिया से भी वर्चुअली कनेक्टेड हो सकते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि कंप्यूटर सब पूरा नहीं है बल्कि शॉर्ट फॉर्म मात्र ही है। कंप्यूटर का पूरा नाम कॉमन ऑपरेटिंग मशीन परपोजली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।